हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल क्लासेस। एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Find the 20th term from the last term of the AP. आपने 20वीं term निकाल ली है, पहले भी निकाल ली है हमने, but इसमें क्या difference है? From the last term, AP की last term से count करना है, last से 20वीं term निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। ये AP दी हुई हमारे पास 3, 8, 13, 253, यानी कि इसकी first term 253, लास्ट से बताना है हमें 20वीं टर्म क्या होगी। तो सेकंड जो होगी लास्ट, वो लास्ट से कौन सी होगी? सेकंड टर्म होगी। तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 253 13 8 3 इज आल्सो एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल है, जो आपके पास एपी है अगर हम उस सीरीज को अगर रिवर्स कर दें, जो सीरीज बनेगी वो भी हमारी एपी ही बनती है। अब आप देख सकते हो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज आल्सो एन एपी, हमने रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट से क्या बताना, 20वीं टर्म बतानी है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है, तो ए बन जाएगा बी। डी कोई भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, वो डी बन जाता है। तो 8 माइनस या 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 कर दो या 8 माइनस 13 कर दो, ठीक है। देखिए पहले हमारा d 5 था, अब हमारा d क्या बन गया? माइनस 5, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया AP को, तो वो भी AP होती है। तो हमें क्या निकालना, 28 टर्म a प्लस 19 d। तो a क्या हमारा 253 और डी क्या हमारा माइनस 5। 253, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 19 5 95, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। 253 में से 95 माइनस किया, यहां पे आ गया हमारे पास 8 और यहां पे आ गया 965 और यहां पे बचा 1 158। तो इसका मतलब लास्ट से जो 20वीं टर्म है कितनी है, 158। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। जो सम दिया हमारे पास 4th एंड 8th टर्म, चौथी और आठवीं टर्म का सम 24 गिवन है, यानी कि ए 4, वही फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस बी, A4 प्लस A8, 4th एंड 8th टर्म का सम कितना है, 24। ये गिवन है हमारे पास। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम वो कितना दे रखा, 44। 6th और 10th टर्म का सम 44 दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। आपने इस AP की पहली तीन टर्म्स निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। A4 का मतलब A प्लस 3D, और A8 का मतलब A प्लस 7D, A प्लस 8 2A, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, A 6 प्लस 6 टर्म और 10th टर्म का सम उधर का 44। ये गिवन हमारे पास, यहां से एक इक्वेशन और आ जाएगी ए और डी में। ए 6 को लिख सकते हैं ए प्लस 5D और ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9D। ए प्लस ए 2A, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं ऑन इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44,
और फर्स्ट है भाई 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये माइनस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 14 में से 10 माइनस जाएंगे तो 4d, और ये जाएंगे तो माइनस बचेगा हमारे पास 20, तो d की वैल्यू आ गई 20/4, यानी कि d की वैल्यू कितने पे जाएगा, 5 पे, d की वैल्यू 5 आ गई। ये d की वैल्यू किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 24, 2a प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो 2a इज इक्वल टू माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, 24 में से 50 को माइनस करेंगे तो a आ गया हमारा माइनस 26/2, यानी कि कितने पे कैंसिल होगा 13 पे, तो a आ गया माइनस 13। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास माइनस 13, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, a प्लस d, तो a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू हमारी आई है माइनस 13 और d की वैल्यू आई है 5, तो माइनस 8 आ गया सेकेंड टर्म, तो a2 आ गया माइनस 8, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 8 और थर्ड टर्म a प्लस 2d, a है हमारा माइनस 13, माइनस 13 प्लस d है 5, तो माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, तो जो थर्ड टर्म आ गई माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000। सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया 1995 में एनुअल सैलरी 5000 के साथ, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ते गए, ऑब्वियसली है एपी बन गई, पहले 1995 में उसकी सैलरी 5000, फिर कितनी हो जाएगी 5200, फिर 200 रुपए फिर बढ़ गई 5400, ऑब्वियसली ये फिक्स नंबर बढ़ रहा है तो एपी है ये हमारी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000, किस साल के अंदर, इन विच ईयर, जहां पे ये आ जाता है हाउ मेनी टर्म्स या इन विच ईयर, तो इसका मतलब आपने एन निकालने हैं, किस साल में उसकी इनकम 7000 रुपए बन जाएगी। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट सैलरी है, फर्स्ट टर्म कितनी रखी है 5000, और डी ऑब्वियसली है फर्स्ट टर्म 5000, फिर 200 रुपए और बढ़ गए 5200 हो गए, कितना डिफरेंस हो गया 200 का, हर महीने हर साल कितनी बढ़ जाती है 200 रुपए, यानी कि डी हमारा 200 हो गया, और ए एन जो लास्ट जो सैलरी है उसकी कितनी बन जाती है, यानी कि लास्ट टर्म हो गई है हमारी 7000। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन, एन हमें निकालना है, तो ए एन जो हमारे पास दे रखा है, ए एन दे रखा फॉर्मूले वाला 7000, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए हमारे पास 5000, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास 200, 5000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 एन माइनस 200 इक्वल टू 7000, 5000 में से 200 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4800, और प्लस 200 एन इक्वल टू 7000, 4800 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7000 माइनस 4800, तो दिस इंप्लाइज 200 एन, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2200 एन इक्वल टू 2200 डिवाइड बाय 200, दो जीरो से दो कैंसिल, दो से जाएगा 11 पे, इसका मतलब एन आ गया 11, यानी कि 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 बन जाएगी, तो आंसर कितना आ गया हमारा n इज इक्वल टू 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव किए,
एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75, और वीकली सेविंग उसने 1.75 इंक्रीज की, यानी कि फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए सेव किए, फिर हर वीक में अपनी सेविंग को 1.75 इंक्रीज करती रहती है। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 रुपए है, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टार्टिंग की सेविंग कितनी है, 5 रुपए, तो a हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म होगी 5, और हर वीक में कितने रुपए इंक्रीज करती रहती है, 1.75 अपनी सेविंग बढ़ाती रहती है। तो इसका मतलब ये इतना ये रुपीज 1.75 पैसा बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब डी हो गया हमारा 1.75। और एनएच वीक में उसकी सेविंग इतनी बन जाती है, इसका मतलब एनएच टर्म हो गई है 20.75, और एन हमने निकालना है। एन दे रखा हमारे पास 20.75, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे ए 5, और डी है हमारे पास 1.75। इस 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का हो जाएगा एन माइनस वन, दिस कैन बी रिटन एज एन माइनस वन, ये हमारा 1.75 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20 में से 5 को माइनस किया तो 15, 15 माइनस 7 5, तो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1575 डिवाइड बाई 175। इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा, यानी कि 9 पे कैंसिल हो गया, 7 9 जा 63, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 10th वीक में उसकी वीकली सेविंग 20 रुपए 75 पैसे बन जाएगी।